हेलो व्यूअर्स, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। जी प्यारे प्यारे दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं लवली इनो के ऊपर, जो पांच लिस्टिंग्स की अनाउंसमेंट कर चुका है। उसके बाद बात करेंगे बिटगेट के ऊपर, पाई नेटवर्क के ऊपर। तो भाई इन तीनों कॉइन्स के ऊपर देखने की कोशिश करेंगे भाई, क्या क्या अपडेट्स देखने को मिलेंगे, किस तरह ये तीनों कॉइन मूव करते हुए दिखाई दे रहे हैं, तो वो सारी की सारी जो बातें मैं आपके साथ इसी वीडियो में शेयर करूंगा। तो इससे पहले कि मैं अपनी वीडियो की तरफ मूव करूं, अपने टॉपिक की तरफ मूव करूं, मैं आप सबको रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोगों ने अभी तक मेरा यूट्यूब का चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो भाई क्या कर रहे हो, जल्दी जल्दी जाके सब्सक्राइब के बटन को दबा ले। आई डोंट नो व्हाट यू विल डू विथ दैट बटन। जी बिल्कुल, आप इन बटन के साथ क्या करते हैं मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जल्दी जल्दी जाके सब्सक्राइब करें ताकि क्रिप्टो के रिलेटेड या किसी भी कॉइन के रिलेटेड जो भी अपडेट हो वो सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो पहले हम देख लेते हैं मार्केट क्या हाल है। बिटकॉइन भाई जान, जी बिल्कुल, बिटकॉइन भाई जान अभी 25,974 नंबर डॉलर पे रैंक कर रहा है, प्राइस चल रही है, रैंक नहीं कर रहा, रैंक तो पहले नंबर पे कर रहा है। और ये 0.3% जो है ये 24 घंटों में बढ़ चुका है। वहीं पे बात करें इथेरियम की, तो भाई 69.38 डॉलर पे चल रहा है, 0.3% बढ़ चुका है। वहीं पे बीएनबी 214 पे चल रहा है, 0.2% बढ़ चुका है। एक्सआरवी 0.5 पे चल रहा है, 0.2% बढ़ा है। तो इस तरह ओवरऑल जो मार्केट है वो हमें देखने को मिल रही है आधा परसेंट तक बढ़ती हुई या डाउन जाती हुई दिखाई दे रही है। क्योंकि अगर यहाँ पे हम फेयर एंड ग्रीड इंडेक्स को देखें तो भाई मार्केट आज भी हमारी 40 स्कोर के साथ फेयर में, जो कल भी 40 स्कोर के साथ फेयर में थी, लास्ट वीक 39 स्कोर के साथ हमें फेयर में देखने को मिलती है, और लास्ट मंथ ये 50 स्कोर के साथ हमें एक न्यूट्रल पोजीशन में भी देखने को मिली थी। वहीं पे अगर हम बात करें मजीद तो भाई क्या क्या चीज़ें हमें देखने को मिल रही है, तो यहाँ पे हम देख लेते हैं लवली इनो के हालात। तो भाई लवली इनो बहुत बुरा फंस चुका है जी, बिल्कुल 1.9% डाउन है इसकी प्राइस में, 70 के बाद 96811 इसकी करंट प्राइस चल रही है, 2.4% बीटीसी के हिसाब से, और बीएनबी के हिसाब से 2.3% है, वो ऑलरेडी एक डाउन ट्रेंड की तरफ जा चुका है। उसके बाद यहाँ पे बात करें बिटगेट की, बात करें तो 292 नंबर पे रैंक कर रहा है, 0.60 के बाद 185508 की करंट प्राइस के साथ चल रहा है, तो 0% ये अप हुआ है और डाउन हुआ है। ये बीटीसी के हिसाब से 0.6% है और बीएनबी के हिसाब से 0.5% डाउन जा चुका है। और पीएम पायलट पर भी अभी इसका प्राइस का आइडिया उनको कोई फायदा बनता है क्योंकि अभी ये मेननेट पर लिस्टिंग नहीं है, लेकिन फिर भी 14% डाउन है, अभी भी 40.99 डॉलर पर चल रहा है। तो यहाँ पे बातें करें मैं क्या क्या अपडेट्स हमें देखने को मिल रही है, तो भाई लवली इनो फाइनेंस ने पांच लिस्टिंग्स बता दी। एक तो है कॉइन टीआर, दूसरा है क्रिट एफेक्स के नाम से, तीसरा है ट्रैफिक्स के नाम से, और चौथी है फाइनेंस एक्स के नाम से। अभी भी इसकी जो है पांचवी लिस्टिंग अभी भी इन्होंने अनाउंस नहीं किया, तो वो भी वो जल्द से जल्द अनाउंस करेंगे। तो ये 7 सितंबर को आई थिंक इसकी जो है वो लिस्टिंग्स वगैरह होंगी। अगर हम देखें तो भाई ये पीछे 24 घंटों में ये $100 का जो है वो गिव अवे करने जा रहे हैं। आपको सिंपली क्या करना है, लाइक रीट्वीट और कमेंट करना है दो दफ़ा लवली इनो, इट मीन कि ये थोड़ा छोटे मोटे से गिव अवे करके आपको थोड़ा एक्टिव करवाना चाहते हैं और ये लवली इनो को ट्रेंड में लेके आना चाहते हैं। तो वहीं पे बिटगेट को लेके बात करें तो भाई यहाँ पे बिटगेट का तो वीकली रिकेप आ चुका है जी, बिल्कुल, वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। तो भाई यहाँ पे पेयर टू पेयर इसकी जो एक्सचेंज है B2B वो लाइव हो चुकी है। उसके बाद नई पार्टनरशिप हमें देखने को मिली लास्ट वीक क्रिप्टो सेकंड के साथ। उसके बाद प्री इंटीग्रेशन हमें क्लिक्स चेन के साथ देखने को मिली, मीमैक्स के साथ हमें न्यू पार्टनरशिप देखने को मिली, इंटीग्रेशन जो डीफाई डैश के साथ हमें देखने को मिली, और क्रिप्टो सेकंड के साथ भी हमें इसकी इंटीग्रेशन वगैरह देखने को मिली। तो ये लास्ट वीक छोटी मोटी सी जो चीज़ें थी वो हमें बिटगेट प्राइस में देखने को मिली। तो वहीं पे अगर हम बात करें पाई को लेकर, तो भाई पाई के लिए हमारे क्या क्या अपडेट्स हैं, क्या क्या चीज़ें हैं, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि भाई इनका कहना है कि व्हेन डिड यू ज्वाइन पाई, भाई आपने कब ज्वाइन किया था। आई थिंक मैंने 2021 में किया होगा, या मेरे थोड़ा दिमाग में नहीं, आई थिंक 2021 या 20 होगा, आई थिंक मैंने ज्वाइन किया था जब शुरू में आया था, मजीद कन्फर्म नहीं है। उसके बाद भाई यहाँ के जो छोटे छोटे से प्रॉपर चल रहे हैं, छोटी छोटी सी ये एंगेजमेंट के लिए एक्टिविटी कर रहे हैं, पाई डे सेलिब्रेट करते हैं, ये चीज़ वो चीज़, और हमने देखा है कि भाई जो पाई का ब्राउज़र था उसके रिलेटेड अपडेट्स हमें देखने को मिली। उसके बाद जो शॉप्स हैं वो पाई को जो है एक्सेप्ट कर रहे हैं एज ए पेमेंट, तो आप वहाँ से भी उसको ले कर सकते हैं। तो यहाँ पर अभी भी हमारे लिए पाई के लेके एक ही सवाल पैदा होता है कि भाई मेन नेट पर हमें कब देखने को मिलेगा, कब हम इसको $40 के अमाउंट में सेल कर पाएंगे, बाई कर पाएंगे, तो अभी भी वो चीज़ रहती है। लेकिन पाई जो है अभी भी दूसरी और जो यूटिलिटीज़ वगैरह है उनके ऊपर काफ़ी काम करने की कोशिश भी कर रहा है। तो दोस्तों ये कुछ छोटी मोटी सी बातें थी पाई को लेके, तो मैंने सोचा क्यों ना आपके साथ शेयर की जाए। तो मैं फिर मिलूंगा आप लोगों को अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप सबको अपना ख्याल रखना है, अपना ख्याल तो हर कोई रखता है, अपने दोस्तों का, अपने रिश्तेदारों का ख्याल रखना है। तो मैं फिर मिलूंगा आप लोगों को अगली वीडियो में। प्लीज़, थैंक यू।